Vipul Kaushik, stock market trader, trainer and mentor is back with his masterclasses. दोस्तों, हम शेयर बाजार को हमेशा एक पैसिव इनकम की तरह देख रहे होते हैं। हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा शेयर मिल जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे। हम ऐसे शेयर को ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे लिए एक मल्टी बैगर साबित हो, या जो सही तरीके से निवेश करते हैं, या जो एग्रेसिव नेचर के नहीं होते हैं, उनके लिए कोई ऐसा शेयर मिल जाए जो उनको एक रेगुलर इनकम देता रहे, एक ठीक ठाक सी चाल मिलती रहे और एक अच्छी कंपनी हो। तो अगर ऐसा शेयर हम ढूंढ पाएं तो हमारे हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार हो सकता है और हमारी शेयर मार्केट की जो शुरुआत है या जो आने वाली जर्नी है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। दोस्तों, ये सीरीज बना रहा हूँ कुछ ऐसे चुनिंदा शेयर्स को लेकर जो इस इंडस्ट्री में लार्ज कैप है, लार्ज कैप की कैटेगरी में आते हैं और हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। दोस्तों, इन शेयर्स का पूरा एनालिसिस करेंगे। पहले हम देखेंगे ये शेयर कौन-कौन से हैं, इनका क्या डिविडेंड पेआउट हिस्ट्री रही है। हम देखने की कोशिश करेंगे इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, वो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा ठीक से देखें, हमें ये अंदाजा लग जाता है कि प्रमोटर का अपने शेयर पे क्या भरोसा है, एफआईज का उस शेयर पे क्या भरोसा है और म्यूचुअल फंड्स वालों का क्या भरोसा है। दोस्तों, ये तीन ऐसे विंग्स होते हैं जो अगर किसी शेयर में निवेश करने में लग जाए या जिनका इन शेयर पे भरोसा हो जाए तो शायद उसकी लंबी जर्नी बहुत ही अच्छी और बहुत ही आकर्षक हो सकती है और बहुत ही शानदार रिटर्न हमें मिल सकती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उसकी डिविडेंड हिस्ट्री के ऊपर में, हाल फिलहाल में डिविडेंड दिया या नहीं दिया और आज तक वो डिविडेंड कैसा पे करता है। दूसरी चीज हम देखने की कोशिश करेंगे कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, किस किस के कब्जे में वो शेयर्स हैं। और तीसरी चीज हम देखने की कोशिश करेंगे उसकी की फाइनेंशियल रेशियोज, क्या हमारे फाइनेंस, क्या उस कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ कह रहे हैं, क्या हमें वहां से कोई मैसेज मिल रहा है। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बोनस टिप बिल्कुल इस वीडियो के अंत में है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और अगर आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का शुरुआत करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे दिग्गज कंपनीज के लिंक दिए हैं, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एलिस ब्लू, इंडिया इन्फोलाइन, स्टॉक्स कार्ट, IIFL, बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जिसमें आप चाहें अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कोल इंडिया की। जी हां, आप सबने नाम सुना होगा, ये बहुत ही चर्चित शेयर है, दिग्गज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनीज में से आता है। दोस्तों, इन वीडियोस में आपको पूरी हिस्ट्री बता के, उसकी वेबसाइट दिखा के आपको बोर करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं कि कंपनी क्या करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो आप खुद गूगल कर सकते हैं, थोड़ी सी होमवर्क आप खुद करने की कोशिश कीजिए। यहां हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें कोल इंडिया में निवेश करना चाहिए, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पे कोल इंडिया एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, कौन से ऐसे लेवल है जहां कोल इंडिया एक सपोर्ट फेस कर सकता है और कौन से ऐसे ब्रेकआउट लेवल है कि अगर कोल इंडिया ने उन प्राइसेस को पार किया तो जर्नी बहुत ही शानदार होगी, स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा और बहुत ही शानदार दे सकता है। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है कि ये मेरी एनालिसिस है, ये वीडियो में लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं, तो कोई भी दिए गए लेवल पे निवेश करने से पहले अपनी समझदारी, अपनी एनालिसिस जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल इंडिया की डिविडेंड हिस्ट्री क्या रही है। दोस्तों, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, अभी बीते साल 2020 में इसने दो बार डिविडेंड दिया है। 19 मार्च 2020 को ₹12 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड, दूसरा डिविडेंड रहा ₹7.5 19 नवंबर 2020 को। उससे पहले 2019 में चलने की कोशिश करें तो ₹5.85 ₹5.85 इंटरिम डिविडेंड था 22 मार्च को, 28 दिसंबर 2018 को ₹7.75 7.25, 16th मार्च को ₹16.50 का इंटरिम डिविडेंड उसने पे किया, 27th मार्च 2017 को ₹1.15 और 14 मार्च को ₹18.75, मतलब टोटल उस साल में 19-20 रुपए के आसपास में ये डिविडेंड पे हुआ, और 2016 में ₹27.40, 2014 में ₹29, मतलब ये कंपनी लगातार डिविडेंड पे करती है। दोस्तों, कोई कंपनी अगर आपको साल में 10-15-20 रुपए अगर डिविडेंड पे कर रही हो पर शेयर पे, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, मतलब अगर ₹100 का शेयर है आपको ₹10 डिविडेंड पे कर रहा था, 10% का तो डिविडेंड ही हो गया। यहाँ पे ₹150 की कंपनी है और कंपनी ₹20 डिविडेंड पे कर रही है, मतलब कम से कम आपको एक हेल्दी डिविडेंड आपको कंपनी पे कर रही है। दोस्तों, ऐसी कंपनी को पोर्टफोलियो में आप हिस्सा जरूर बना सकते हैं और हाँ, ये कंपनी दिग्गज कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी मुझे जैकपॉट क्यों दिखाई देती है, ये कंपनी मुझे हीरा क्यों दिखाई देती है, देखिए इसके जो मैक्सिमम शेयर्स हैं वो प्रमोटर के पास हैं। देखिए, समझ के देखिए, 66.1% प्रमोटर के पास में, 9.5% म्यूचुअल फंड के पास में, 6.5% FIIs के पास में, अदर्स इंस्टीट्यूशंस के पास में 12.8%, और हाँ, और आपके और मेरे पास, पब्लिक के पास क्या इक्विटी है दोस्तों,
खाली 5%, मतलब जिस कंपनी की इक्विटी पब्लिक में नहीं होती है वो कंपनी जैकपॉट हो सकती है। दोस्तों ये कंपनी बेहद ही शानदार कंपनी है, अपनी फील्ड की पायनियर कंपनी है, 85,000 करोड़ की मार्केट कैप है और शानदार। अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग को देखा जाए तो प्रमोटर ने 2018 में जहां 72.9% की होल्डिंग थी उसको 66% पे मेंटेन किया, थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है। बट अगर FIs की होल्डिंग को देखा जाए जो 2019 में दिसंबर में पीक थी 8.6% के आसपास, उसमें भी कुछ कमी आई है, 6.5% के आसपास की इक्विटी उनकी हुई है। बट होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की देखी जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने ये अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, मेंटेन किया है 9.5% के आसपास में दिसंबर 2020 तक, मार्च 2020 का डेटा अभी आना बाकी है दोस्तों, ये अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है, आप देखिए कितनी कमाल की डेटा है दोस्तों। कोल इंडिया का 85,230 करोड़ का मार्केट कैप है, नंबर वन कंपनी है अपने सेगमेंट की। उसके बाद GMDC गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कहता है जिसकी मार्केट कैप 1801 करोड़ की। उसके बाद गुजरात एनआरई को 149 करोड़, काबरा कमर्शियल्स लिमिटेड 5.6 करोड़, ग्रीन अर्थ रिसोर्सेज प्रोजेक्ट लिमिटेड 4.4 करोड़, एंड अरोमा कोक लिमिटेड 3.1%। मतलब अपनी फील्ड की दिग्गज कंपनी, क्या आपके पोर्टफोलियो में शेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कमेंट सेक्शन में डालिए और लिख के बताइए कि क्या इससे भी बेहतर कोई कंपनी हो सकती है। दोस्तों एक अच्छा पोर्टफोलियो कब बनता है, जब आप उस सेक्टर की उस फील्ड की दिग्गज कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। दोस्तों इस कंपनी की खासियत क्या है, इस कंपनी की खासियत आप देख सकते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब शानदार, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 4.95% का ROE मेंटेन कर रही है। दोस्तों सबसे अच्छी चीज है कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पेआउट ऑफ 78.66%, कहां मिलेगी ऐसी शानदार कंपनी। दोस्तों थोड़ी सी नेगेटिविटी भी होती है कंपनी के बारे में, जहां देख सकते हैं कि कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.33% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, 5% से सेल्स गिरी है, चलेगा, नेगलिजिबल है। दोस्तों डेटर पेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 33.89 टू 54.74 डेज, चलता रहता है। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स, मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिराया, मैंने आपको दिखाया था, वहां की म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है। चलिए देख लेते हैं कि इस कंपनी का चार्ट क्या कहता है। दोस्तों अगर आप इसको डेली चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। 150 रुपए के आसपास में एक स्टिफ रेजिस्टेंस कंपनी फेस कर रही है, जब भी 150 के आसपास जाती है गिरावट का माहौल मिलता है, एक सप्लाई उसको मिलती है, सप्लाई जोन का काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दोस्तों तो जिस दिन ये कंपनी 150 रुपए पार होगी, इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिलेगी, ये कंपनी रॉकेट हो जाएगी, आपके पकड़ में नहीं आएगी। दोस्तों अगर इस कंपनी को देखा जाए इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, चलिए अपने जादुई TTC से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या है। यहां मैंने आपके लिए वैल्यू डाल के रखी है दोस्तों, 144 का एक ब्रेकआउट लेवल है। दोस्तों जिस दिन 144 से ऊपर ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग हुई, वॉल्यूम बेस्ड क्लोजिंग हुई, ये शेयर चला जाएगा और अपनी नई ऊंचाइयां छूलेगा। और ये कंपनी का जो टारगेट फिर रहने वाला है इस साल के लिए 156, 169 एंड 182 रुपीस के आसपास में, ये एक साल का टारगेट रहने वाला है। दोस्तों ये पूरा स्विंग का टारगेट रहने वाला है, तो उम्मीद कीजिए कि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में हो। अभी हाल फिलहाल इसने डिविडेंड पे किया, आपने उसको एंजॉय किया होगा। अगर कंपनी 144 को ब्रेक करती है तो 180 की तरफ चल पड़ेगी, जो इसका इस साल के हाई के आसपास का है। आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज थोड़ी सी स्टडी अपनी भी कर लीजिएगा, ये मेरी स्टडी है, ये मेरा एनालिसिस है, और अपनी एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।